हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू चांडीपनी एजुकेशनल एकेडमी चलो लास्ट वीडियो में हमने जो टॉमी का फाइव सेंसेस है उसका जो फोर्स तंजा था उसका हमने स्टडी किया था नाउ वी स्टडी एक्सरसाइज चलो पहली एक्सरसाइज है टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस तो टॉमीज ईयर्स हेल्प हिम टू टॉमी के ईयर्स क्या करने में हेल्प करते हैं ईट एंड स्मेल हियर एंड कीप हिज बैलेंस और टेस्ट एंड हियर तो ईयर्स की मदद से क्या होता है वो सुन सकता है और अपना बैलेंस रख सकता है तो ये वाला आएगा तोमी नोज हेल्प हिम तो तोमी के नोज क्या करने में हेल्प करते हैं तो स्मेल करने में तो क्या आएगा पहले वाला ओके चलो मैच द बॉडी पार्ट्स टू डू दे वर्क दे डू यहाँ पे बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पे वो क्या काम करते हैं वो लिखा गया है तो उसके साथ हमें उसको मैच करना है जैसे कि तंग तो तंग क्या करती है तंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं तो इसको हम टेस्ट के साथ जोड़ेंगे ये क्या है हमारी आँख तो आँख की मदद से हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं तो इसके साथ जोड़ेंगे हैंड तो हैंड की मदद से हम क्या कर सकते हैं टच कर सकते हैं तो इसके साथ जोड़ेंगे नोज़ की वजह से क्या कर सकते हैं हम स्मेल कर सकते हैं और ईयर की मदद से हम सुन सकते हैं यानी हीयर ओके चलो उसके बाद क्वेश्चन आंसर है तो वो मैंने एक पेज में लिखे हैं इसकी आपको पी डी एफ आई मिल जाएगी तो आपको भी नोटबुक में सारा कुछ कॉपी करके लिखना है पहला क्वेश्चन है व्हाट डज टॉमीज ईयर हेल्प हिम टू डू टॉमी के ईयर उसको क्या करने में हेल्प करते हैं तो क्या आएगा आंसर नंबर वन है टॉमीस ईयर हेल्प हिम टू हीयर एंड कीप हिज बैलेंस ओके ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा क्वेश्चन है वॉट डज टॉमीस टंग हेल्प हिम टू डू उसकी जीब उसको क्या करने में हेल्प करती है टॉमीस टंग हेल्प हिम टू टेस्ट अश लेमन पिल ओके उसको टेस्ट करने में हेल्प करती है इसकी आपको पी फाइल मिल जाएगी ओके okay, तो ये आपको नोटबुक में कॉपी करना है ये फर्स्ट वाला भी कॉपी करना है चलो इसके बाद है वॉट्स द गुड वर्ड यहाँ पे मिसिंग लेटर हमें बाजू में पिक्चर दिया है और यहाँ पे हमें मिसिंग लेटर करना है जैसे कि ये किसकी स्पेलिंग है तो आई की, तो क्या आएगा ई वाई ई एस ये नो की स्पेलिंग है ए नो एशी नोस ईयर की स्पेलिंग है तो जहाँ पे मिसिंग रेटर है वहाँ पे हमें लिखना है यहाँ पे उन्होंने ए लिख के दिया है तो ई और आर हम लिखेंगे ये भी आपको नोटबुक में कॉपी करना है ये तंग की स्पेलिंग है ये हैंड की स्पेलिंग है ठीक है चलो उसके बाद के एक्टिविटी में क्या करना है Osionfish. तो यहाँ पे हमें नाम दिए गए हैं और नीचे हमें कॉलम दी गई है जो नेम में आता हो वो यहाँ पे लिखना है जो प्लेस हो यानी कोई जगह का नाम हो वो यहाँ पे लिखना है एनिमल कोई एनिमल का नाम हो वो यहाँ पे लिखना है और थिंग कोई चीज का नाम हो वो यहाँ पे लिखना है जैसे राम तो राम लड़का लड़की का नाम है तो वो यहाँ पर आएगा कैट वो एनिमल में जाएगा इंडिया वो जगह का नाम है तो प्लेस में आएगा डॉग एनिमल है यहाँ पे जाएगा जॉन लड़का का नाम होता है तो लड़की लड़की का नाम नेम में आएगा तो यहाँ पे आएगा जॉन बॉल चीज होती है थिंग में जाएगी पूंजा लड़की का नाम होता है यहाँ पे आएगा टॉर्टोइस एनिमल होता है जग चीज होती है चाइना प्लेस होता है जगह का नाम है दिल्ली वो भी जगह का नाम है हॉर्स एनिमल है अमेरिका जगह का नाम है काइट चीज है और इमरान लड़के का नाम है ओके okay? इसके भी आपको पी डी एफ मिल जाएगी आपको इसका नोटबुक में कॉपी करना है यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेसन और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है नेक्स्ट वीक में हम सेकंड उसके बाद का लेसन स्टार्ट करेंगे ओके स्टूडेंट्स थैंक यू